सर्वाधिक जनसंख्या और कला संस्कृति में अग्रणी भारत का श्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पूर्व दिशा में काशी के घाटों की धरोहर संभाली पूर्वांचल, पश्चिम में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि, उत्तर में प्राकृतिक सौंदर्य और निश्चल संस्कृति लिए तराई क्षेत्र और दक्षिण में कठोर पर्वतीय चट्टानों से घिरी वीर भूमि बुंदेलखंड है। तो आइए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अवध से, जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। जिसका ना हो कभी वध वो अवध। इसका प्राचीन नाम था कोसल। राजधानी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य जन्मस्थली, जो कालांतर में मौर्य वंशियों द्वारा मगध का हिस्सा बना। बाद में चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य और सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन साम्राज्य का हिस्सा बना। तहजीब, तमीज और अदब की नवाबी विरासत संभाले अवध का हृदय लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। शास्त्रानुसार स्वयंभू मनु द्वारा स्थापित अयोध्या शताब्दियों तक सूर्यवंशियों द्वारा शासित सप्तपुरियों में एक अवधपुरी, पावन सरयू के तट पर बसी घाटों और मंदिरों की नगरी है। यहाँ की संस्कृति और लोक नाट्य है अवधी रामलीला, जो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर आधारित है, जिसका प्रदर्शन भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में होता है। फैजाबाद, जो कभी नवाबों की राजधानी हुआ करता था, यहाँ का फरवाही लोक नृत्य अवध की आम जनजीवन शैली से जुड़ा लोक नृत्य है, जिसमें कई नवयुवक सजी धजी लाठियों को लेकर नृत्य करते हुए भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं, जो आज भी उस ऐतिहासिक संस्कृति का गवाह है। फरवाही लोक नृत्य, हमारे गुरुजन कहते हैं कि भगवान शंकर जी सबसे पहले किए थे। आज के समय हम लोग जो है फरवाही लोक नृत्य को नए बच्चों को सिखा के और ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे फरवाही लोक नृत्य जिंदा रहे और आगे बढ़ता रहे। पुराने समय में दो लोग करते थे, दो नृत्य कलाकार, एक वादक नगाड़ा वादक और एक हारमोनियम, तो साथ में बजा के करताल बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, गाते थे, नाचते थे और पूरी महापुरुषों की कथाओं को, गाथाओं को गाते हुए, अभिनय करते हुए पूरा उसको दर्शाते थे। समय बदला और दौर बदला, निजाम भी बदले और अवध की राजधानी तब्दील होकर लखनऊ हो गई, जो कभी लखनपुर हुआ करता था। जी जनाब, लखनऊ मोहब्बतों का शहर है, गीत संगीत का शहर है। संगीत में पखावज और अवध के प्रमुख वाद्य यंत्रों में तबला, जिसकी कथक के साथ जुगलबंदी अवध की शाम को रंगीन और यादगार बना देती है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य को प्रोत्साहन दिया। लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज अच्छन महाराज जी के बेटे इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। कथक के साथ ठुमरी, दादरा, गजल गायकी को भी अवध में नया रूप मिला। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश का चित्र सामने उभरता है तो ब्रज भूमि कृष्ण के नाते नजर आती है, अयोध्या भगवान राम का हम सबके मन में है, रानी लक्ष्मीबाई नजर आती हैं, तो बेगम हजरत महल नजर आती हैं,
आल्हा उदल नजर आते हैं। तो ये एक मुझे लगता है जब सांस्कृतिक छवि की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ सारी बोलियाँ मिलकर एक जैसी लगती हैं। अवध की खूबसूरत शाम अवध, कथक की ताल, तबले की थाप और शहर की रोशन इमारतें नवाबी खान पान के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा शहर जहाँ एक तरफ अजान है तो दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियाँ एक साथ सुनाई देती हैं। राधे राधे, कृष्णमय ब्रज भूमि भक्ति और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। 84 कोस में फैला हुआ ये ब्रज क्षेत्र कृष्ण लीला और उनसे जुड़े प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज की संस्कृति का अर्थ है श्री कृष्ण की संस्कृति, राधा रानी की संस्कृति, ग्वाल वालों की संस्कृति, गोपियों की संस्कृति, जिसमें माधुर्य है, रस है और एक अभूतपूर्व चिंतन है, जिसमें भक्ति है, आराधना है, साधना है। ब्रज के मुख्य सांस्कृतिक शहर मथुरा, वृंदावन और आगरा हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर ये ब्रज भूमि श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा हो या क्रीड़ा स्थली वृंदावन, कल कल बहती पावन यमुना, नंदगांव या राधा रानी जी का गांव बरसाना, सभी का उल्लेख ब्रज की संस्कृति में मिलता है। वृंदावन के रंगजी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा माधव मंदिर और इस्कॉन मंदिर, जहां एक ओर ब्रज की अनोखी वास्तुकला सांची कला संस्कृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं यहां का गीत और संगीत अद्भुत है। चाहे हवेली गायन हो या होली या फिर चरकुला नृत्य, जिसको राधा जी के जन्म पर उनकी नानी मुखरा ने अपने सर पे बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक रख के नृत्य किया था, तब से ये परंपरा चली आ रही है। लोक संगीत में रसिया भी इस ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। कि बाकी मरोर चितलीनो है चोर, बाके बिहारी कि बाकी मरोर चितलीनो है चोर, यहाँ बाके बिहारी कि बाकी मरोर चितलीनो है चोर। ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक गाथा बिना होली की बात किए पूरी नहीं हो सकती है। ब्रज में होली पूरे एक महीने तक खूब मस्ती के साथ मनाई जाती है, जिसमें बरसाना की लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राधे राधे। अहो बिधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो, मोही ब्रज बसीबो, अहिर की जाति समीप नंद घर, अहिर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी घन श्याम हेरी हेरी हसी वो, घरी घरी घन श्याम हेरी हेरी हसी वो, अहो बिधना। इस संस्कृति और कला के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ पहुँचे हैं आगरा। संगमरमर से निर्मित ये ताजमहल सुबह की रोशनी में चमकदार दूधिया रंग में जगमगा उठता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व का सातवां अजूबा होने के कारण भारत की शान है। वीरभूमि बुंदेलखंड
उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ का इतिहास वीर रस से भरा हुआ है। अनेक छोटी बड़ी रियासतें यहाँ के इतिहास का प्रमाण देती हैं। यहाँ किलों, झीलों और मंदिरों की एक ऐसी दुनिया है जहाँ का हर पत्थर अपनी वीरता की कहानी कहता है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला झांसी का किला उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य में बरुआ सागर फोर्ट, ताल बेहट फोर्ट, माता टीला डैम, सुखवा दुखवा डैम आदि। ललितपुर जनपद के देवगढ़ में दो गुप्तकालीन मंदिर हैं। इसके गर्भगृह में नरसिंह वाराह की मूर्ति स्थापित है। दूसरा मंदिर विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का प्रतीक है। इसका निर्माण काल 6वीं शताब्दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है राई, जिसका मतलब सरसों के बीज है। जब सरसों के बीज को एक तश्तरी में डाल दिया जाता है तो वो जिस प्रकार घूमता है ठीक उसी प्रकार है ये नृत्य, और इसकी वेशभूषा और परिधान इसे रंग बिरंगा और आकर्षक कर देते हैं। यहाँ का आल्हा गायन इस क्षेत्र की संस्कृति की पहचान है। इसमें आल्हा और उदल वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया जाता है जो चंदेलों के पक्ष में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़े थे। बुंदेलखंड की लोकप्रिय लोक संगीत संस्कृति का हिस्सा है। कालिंजर जो भारत का सबसे विशाल दुर्ग है और जिसे अजय भी माना गया है, कहा जाता है कि इसे कोई भी जीत नहीं पाया। यहाँ महाराज मान सिंह का किला भी है जो आज शिल्प कला का संग्रहालय है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड भाग की कई आश्चर्यों वाली पेंटिंग पहाड़ी है। भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास का एक बड़ा भाग बिताया। मंदाकिनी नदी, हनुमान धारा, कामदगिरी पर्वत, स्फटिक शिला और राम घाट यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भूभाग में स्थित रोहिलखंड क्षेत्र प्राचीन काल से संस्कृति और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफगानिस्तान के रोहिलो द्वारा इस क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के बाद से ये क्षेत्र रोहिलखंड कहलाने लगा। इसके पूर्व इसका नाम कटिहर तथा पांचाल था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांचाल द्रौपदी का जन्म स्थान माना जाता है। राम गंगा नदी के तट पर बसा बरेली शहर रोहिलखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ इसका केंद्र बिंदु भी है। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की प्राचीन राजधानी था जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। बरेली जिले में स्थित रामनगर में इस शहर के अवशेषों की खोज की गई। बरेली जिले के आंवला स्टेशन से कोई 10 किलोमीटर उत्तर प्राचीन अहिछत्र के अवशेष आज भी यहाँ की प्राचीन संस्कृति और कला की पहचान है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा झुमका गिरा झुमका। यहाँ का सबसे अनोखा आकर्षण बाजार और गलियां हैं, जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक है। आपने गाना तो सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इसी बरेली के बाजार में खास है आंखों की चमक बढ़ाने वाला बरेली का सुरमा। यहाँ भी गंगा जमुनी तहजीब पाई जाती है, जिसका उदाहरण है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको चुन्ना मियाँ यहाँ के व्यापारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने पैसे से बनवाया था।
यहाँ निर्मित बेंत की लकड़ी का सामान अपनी उपयोगिता और सुंदरता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बरेली में निर्मित पतंग एवं माझा अपनी गुणवत्ता तथा बनावट के कारण पूरे देश में लोकप्रिय है। रोहिलखंड का रामपुर घराना सभी घरानों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ की गायकी जैसे ख्याल, दादरा, सूफी, चारबेत, जिसकी पहचान पूरे विश्व में है। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के दक्षिण आधार क्षेत्रों को कहते हैं। इस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान और 6 वन्य जीव अभयारण्य है। तराई क्षेत्र की कला और संस्कृति के साथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी ये भूमि उस समय के स्मारकों से सुसज्जित है। गोरखपुर से लगभग 54 किलोमीटर दूर कुशीनगर प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली थी। हर साल दुनिया भर के हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने आते हैं। लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। बोध गया में ज्ञान मिला है, बोध गया में ज्ञान मिला है, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। कपिल वस्तु के प्राचीन शाक्य राज्य परिवार के शासक शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ ही आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य क्षेत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। बलरामपुर जिले के सुदूर विशुनपुर वन क्षेत्र में बसी हैं थारू जनजातियाँ, जिनकी सरल जीवन शैली, स्वभाव व जनजातीय रंग अत्यंत मनमोहक है। श्रावस्ती बहराइच से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जिले की पहचान विश्व के कोने कोने में आज बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में है। यहाँ की प्रकृति और वन क्षेत्र इसे अविस्मरणीय बना देते हैं। पूर्वांचल की सांस्कृतिक राजधानी बनारस की कला और संस्कृति में एक बनारसी अल्हड़पन है, जो निरंतर निश्चल बहती गंगा नदी के समान है। यही अल्हड़पन बनारस घराने की कथक शैली में भी नजर आता है। बनारस की सुबह में गूंजते शंख के स्वर इस बात का एहसास कराते हैं कि ये वो जगह है जहां से हमारे शास्त्रीय संगीत की परंपरा की शुरुआत हुई। बनारस अपनी शास्त्रीय संगीत विरासत के लिए जाना जाता है। बनारस के घाटों पे
आज भी जीवंत उस्ताद स्वर्गीय बिस्मिल्ला खां की शहनाई के स्वर है। बनारस का तबला घराना अपनी उत्कृष्ट और संवेदनशील वादन शैली के लिए जाना जाता है। स्वर्गीय किशन महाराज ने बनारस घराने को एक अलग पहचान दिलाई और कई बड़े फनकारों के साथ तबला वादन किया। गिरजा देवी, जिन्होंने बनारस की ठुमरी और पारंपरिक पूर्वी गायन शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूर्वांचल का भोजपुरी गायन, बिरह गायन और धोबिया नृत्य यहाँ के लोक रंग हैं, जो पूर्वांचल का आभास कराते हैं। सन 1961 सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति सूचीबद्ध नहीं थी, किंतु भारत के राष्ट्रपति की घोषणा अनुसार 5 जनजातियों को, जिसमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को अनुसूचित जाति की श्रेणी में 24 जून 1967 में सूचीबद्ध किया गया। ट्राइबल मैप ऑफ इंडिया के अनुसार 2003 में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों की सूची को पुनः प्रकाशित किया गया, जिसमें गोंड, राजगोंड, खरवार, बैगा, चेरो, परहिया, भुइया, घसिया, उराव यानी धागर, अगरिया और पठारी भी आते हैं। इसमें 53 उप जनजातियों का भी उल्लेख है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती सोन नदी और विंध्य पर्वत के दक्षिण पूर्वी सीमा में स्थित है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला। सोनभद्र क्षेत्र अपनी खनिज संपदाओं और ऊर्जा उत्पादन के कारण प्रचलित है। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले सोनभद्र की जनजातीय संस्कृति, कला, नृत्य और गायन में प्राकृतिक सुंदरता है। विंध्याचल प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर शक्तिपीठ है। विंध्याचल पर्वत पे स्थित ये मंदिर दुर्गम वनों से घिरा हुआ है। मिर्जापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इस दुर्ग को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसका पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने किया। गुफा चित्र, नदियां, पहाड़ और वन यहाँ की रोचकता है। आदि मानव काल से मानव संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्तियों के चित्र कैमूर के पहाड़ियों और गुफाओं में बिखरे हैं, जो मिर्जापुर की प्रागैतिहासिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वन क्षेत्र में स्थित है घसिया जनजातीय की छोटी छोटी बस्तियां, जहां की सरल जीवन शैली और जनजातीय संगीत इनकी संस्कृति की पहचान है, जिसमें खास है घसिया जनजाति द्वारा निर्मित और प्रयोग किए जाने वाले मादल वाद्य यंत्र। झूमर नृत्य महिला और पुरुष दोनों एक साथ करते हैं। ये नृत्य पारंपरिक वाद्य यंत्र मादल की ताल पर किया जाता है, जिसमें जीवन से जुड़ी हर बात को तान, ताल और लय के साथ झूमते हैं। इनके जीवन के लिए महुआ का पेड़ बहुत उपयोगी है, जिसे ये खाते हैं और शराब बनाकर पीते हैं। इनके गीतों में भी इसका उल्लेख मिलता है। घसिया जनजातीय समुदाय के कलाकार डोमकच नृत्य करते हैं, जो अपनी तरह का अनोखा नृत्य है। डोमकच नृत्य में मादल, डफला, तैया, बांसुरी आदि वाद्यों को बजाया जाता है। नृत्य के साथ पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो संबंधों, कर्तव्यों और जीवन से जुड़े हुए होते हैं। विवाह, जन्म और त्योहारों आदि अवसरों पर किए जाने वाला ये नृत्य मादल वाद्य की ताल पे ही किया जाता है।
अगरिया कारीगर वर्ग की जनजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती आ रही है। ये जनजातियाँ मिट्टी या पत्थर के अंदर से लोहा और कोयला निकालकर फावड़ा, कुदाल, गोईता, गगरा, बाल्टी, चाकू, सरौता, करछुल आदि बनाकर बेचते थे। कर्मा नृत्य प्रधान लोकगीत है जिसको सोनभद्र क्षेत्र के कई जनजातीय समुदाय अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। कर्मा में आदिवासी जीवन और संस्कृति का परिचय मिलता है। ये उत्सव ऋतु गीत के साथ साथ पूजा गीत भी है जिसमें आदिवासियों की आदिम काल से आस्था जुड़ी हुई है। अर्जुन दास केसरी जी ने जनजातीय समुदाय की संस्कृति को किताबों के माध्यम से संरक्षित करने के साथ साथ एक संग्रहालय भी बनाया है और लुप्त होती कला और संस्कृति को संजोने का काम किया है जो इतिहास लिखने में काम आएगी। वे नाचते थे, गाते थे, महुआ बीनने जाते थे, पत्ता तोड़ने जाते थे, जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और नदी में जाकर जो है लकड़ी छान लाते थे। बहुत सारे उनके आयोजन थे जो पूजा पाठ नृत्य संगीत से संबंधित थे। तो मुझको ऐसा लगा कि इनका जीवन सबसे थोड़ा भिन्न है और हमें इनके जीवन को ठीक से जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में लोग इनके बारे में जानते रहें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क में 150 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। 25 हेक्टेयर में फैला ये जीवाश्म पार्क दुनिया में अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा है। यहाँ पृथ्वी के सभी कोने से भूवैज्ञानिक एवं जैविक इतिहासकार आकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवन के सृजन की शुरुआत के साक्षी बने इन जीवाश्मों ने इस तथ्य पर मोहर लगाई कि 150 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ समुद्र की लहरें हिलोरे मारा करती थीं। रॉबर्ट्स गंज से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये अगोरी किला जिस पर वास्तविक अधिकार खरवार शासकों का था। बाद में चंदेल वंश के शासकों का आधिपत्य हुआ। इसे आदिवासी किला भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतिम शासक एक आदिवासी राजा ही थे। ये किला तीन दिशाओं में तीन नदियों से घिरा हुआ है जिनके नाम विजुल, रेगु और नदी पुत्र है। अगोरी किले से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चोपन नगर क्षेत्र का सुदूर गांव गुरमुरा जहां आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है कोटवार या कतवारू जनजातीय समुदाय। उत्तर प्रदेश की जनजातियों ने आदिकाल से अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवंत रखा हुआ है। जनजातियों का अपना एक सीमित संसार है जो सबसे भिन्न है। नृत्य और संगीत में दक्ष ये जनजातीय समुदाय कला और संस्कृति के सरल एवं स्वच्छंद रूप को प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश विविधताओं भरा है और इसकी लोक संस्कृति भी। लखनऊ और बनारस घरानों के शास्त्रीय संगीत की विशुद्धताओं के साथ आल्हा, कजरी, बिरहा, पूर्वी, चैती, धमार, रासलीला के रंग कृष्ण में तो रामलीला की भक्ति भी है। यहाँ का नटवरी, पाईडंडा और रायसेरा लोक नृत्य मन को वशीभूत कर लेता है। यहाँ की पवित्र नदियाँ और उससे जुड़ी पारंपरिक प्रथाएं और पर्व जैसे उत्तर प्रदेश का महापर्व महाकुंभ ये महासंस्कृतियों का महासंगम है।